वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज जी हम लोगों ने ईद उल अज़हा की शॉपिंग करने जाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना देते हैं, लेकिन हो गया ब्लॉग नहीं आ सका ड्यू टू सुस्ती टू मच। तो मैंने सोचा जी आज लाजमी 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 ब्लॉग बनाना है। चलिए तो मैंने सोचा जी आज हमने जाना ईद उल अज़हा की शॉपिंग करने, तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएं कि हमने ईद के लिए क्या खरीदा है, हाँ कहाँ से खरीदा है। तो जी आप लोगों ने ब्लॉग पूरा देखना है और मुझे फिर कमेंट्स में बताना है कि कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग दिखानी, मैंने शॉपिंग आपको मैं ईद वाले ब्लॉग में, ठीक है जी। चलिए जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन भी दबा दें सब्सक्राइब के साथ। चलिए जी चलते हैं पहले ब्लॉग की तरफ। यहाँ पर जी रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो चलिए चलते हैं। जाने आपने फातिमा, फातिमा बाय 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 बाय। शॉपिंग करने एटीएम से जी बंदा बाहर नहीं आ रहा तब तक हमें सोचा वन डॉलर शॉप पर टूर कर लेते हैं यार। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इतना वेट हो रहा है यार, पता नहीं कितनी पेमेंट निकलवा रही हो, पता है बहुत ज्यादा है, एटीएम क्रैश ना हो जाए। हो गई, कितनी निकलवाई बता तभी यार, मैं तुम्हारे साथ आती नहीं हूँ क्योंकि फिर मुझे खतरा होता है ना कोई किडनैप ना कर ले। यस दिस इज द टॉप सीक्रेट। चलो चलते हैं अब शॉपिंग की तरफ और चीज़ें खरीदनी है जो उनको खरीदते हैं। हमने करनी है जी यहाँ से शॉपिंग अलमदीना मॉल से, और अभी हम लोग यहाँ से जो बुटीक है जहाँ से हम रेगुलरली शॉपिंग करते हैं वो आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ से करते हैं शॉपिंग। तो चलिए जी चलते हैं। ये है जी बुटीक, बुटीक एंड फैब्रिक्स, और यहीं से हम जो है वो करते हैं शॉपिंग। और हाँ जी हमने ऑर्डर पे ड्रेसेस मंगवाए थे, तो वो ड्रेसेस अभी वो लोग ओपनिंग करेंगे उनकी और फिर दिखाएँगे। ये जी बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, और ड्रेसेस के जो डिज़ाइंस हैं वो भी बहुत ही प्यारे हैं। और सबसे अच्छी बात जो कहीं भी आप लोग विज़िट करते हैं जाते हैं शॉप्स पे, तो सबसे अच्छी बात जो होती है वो शॉपकीपर का एटीट्यूड होता है, उनका जो बिहेवियर होता है कस्टमर्स के साथ। तो मैं आप लोग को कहूँगी कि आप लोग यहाँ ज़रूर विज़िट करें, ये जी बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा बुटीक, इनके पास बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं, और दूसरा ये कि इनका बिहेवियर भी कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं इनके पास। और ये जी इसका दुपट्टा भी इतना खूबसूरत है, ये देखें इसके ऊपर जो लेस लगी हुई है बहुत ही प्यारी है। और मैं भी आप लोगों से कहूँगी कि जो भी कामरा या अटक के जो लोग हैं वो अगर कामरा विज़िट करें तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, इनके ड्रेसेस देखें आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेगुलर कस्टमर्स हैं और यहीं से जो है वो ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हमारी यहीं से होती है। अच्छा जी ये ड्रेसेस हैं, और अभी मैं भाई से कहती हूँ वो आपको शॉप का एड्रेस ही बता देंगे। जी भाई शॉप का एड्रेस बता दें आप। अलमदीना मॉल एंड बुटीक ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर 4, 4 एंड 5। जी अलमदीना मॉल है और शॉप नंबर 4, 5 है, एम बुटीक है, ज़रूर विज़िट करें। और ये लोग बहुत अच्छा डिस्काउंट भी अपने कस्टमर्स को देते हैं, आप ज़रूर विज़िट करें। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर ये जो है वो बुटीक पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह इनके रेगुलर कस्टमर्स बनेंगे। मज़ेदार। ये जी मेरे पीछे कुछ ड्रेसेस जो हैं वो फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन है, तो मैं आपको भी कुछ फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन भी दिखाती हूँ। आई होप कि आप लोग यहाँ ज़रूर विज़िट करेंगे और इनकी शॉप से ज़रूर आप लोग जो है वो परचेज करेंगे ड्रेसेस, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। ये जी कुछ ड्रेसेस हैं, ये जी फैंसी कलेक्शन में हैं और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं। Thank you.
शॉपिंग करने की बहुत निकली राघोश से शॉपिंग करने और यहाँ से करेंगे कुछ शॉपिंग। यहाँ जी इसको ये वाला ड्रेस पसंद आया है, ले लो ले लो ले लो ले लो, अच्छा अच्छा मजेदार। शॉप में देखेंगे, अगर हमें वहाँ से पसंद आता है तो हम भाई सिलेक्टिव शॉप्स होती हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं ना। नहीं नहीं कर क्यों भाई, ऐसे इतने दूर से हम आए हैं, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हैं। खिलाऊंगी मैं, नहीं खिलाऊंगी, ये क्या मजाक है भाई, मैं क्यों खिलाऊंगी, मतलब कुछ भी जी। मेरी बड़ी जो बहन है ना, ये आज हमें खिलाएंगी, क्या खिला रही हैं आप हमें? मैं तो वो हूँ ना, स्टूडेंट हूँ मैं, तो नहीं खिला सकती, इसलिए आप हमें खिलाएंगी। यहाँ जी नीचे चलते हैं ब्रावो पे और फिर जाके देखते हैं क्या खाना है। ये जी हम आ गए हैं, ये जी ब्रावो फूड से हम खाना खाएंगे। फैमिली हॉल में आ गए हैं हम और अब हम जो है वो कोई साफ़ सुथरा सा टेबल देखते हैं वो पॉइंट पे। यहाँ ये जी अपना जो सामान है इसको हम रखते हैं यहाँ पर और अब हम वेट करते हैं मेन्यू का। मेन्यू ले कर आएँ भाई जल्दी जल्दी, क्या खिला रही हैं आप हमें, जल्दी जल्दी डिसाइड करें, मैं वेट कर रही हूँ कि आप हमें क्या खिलाएंगी आज। आज ये खातून एटीएम से होके आई है, आज ये हमें खिलाएगी खाना। यार ये कितनी ऑसम है यार, अच्छी ठीक है 80 रुपए की आ जाएगी। यार मतलब ड्रिंक ठीक है, रेगुलर 40 रुपए वाली, भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब औकात में यही चीजें हैं फिलहाल। बिरयानी कर दे और साथ मेन्यू हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, हमने सोचा खाना खा के यहीं से चले जाते हैं, तो हमने बिरयानी ऑर्डर की है और हमने सोचा कि घर में वैसे ही आलू भिंडी करेले बैंगन टाइप समथिंग होगा, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अब बिरयानी यहाँ से खाते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद जो है वो वापस आते हैं। खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है जी, बिल मंगवाते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा घर, ये काफ़ी लेट हो चुका है। साथ ही यहाँ हमने शॉर्मा पैक करा दिया है क्योंकि हमारा एक पीस जो है ना वो घर में वेट कर रहा होगा, इसलिए उसके लिए हमने जो है वो पैक करवा लिया है। बिल आ चुका है और ये वाली जो खातून है ये बिल पे करेंगी अब, देखो तो नहीं तुम पे मैंने बिल आ चुका है, मुझ पे इस औरत ने खर्चा किया है, इस लड़की ने, सॉरी थैंक यू ये वाला मुझे, मैं ऐसे सेट पहनती हूँ, ये पिंक तुम्हारे लिए अच्छा, कुछ भी कुछ और है कि लंडे शंडे में चले जाएं, वहां से ले दो कुछ, अभी लंडे से तुम्हारे लिए जूते लेने हैं। भाई जी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, हवाएं शवाएं चल रही हैं और रश बहुत है बाजार में, हम पैदल मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। आज हम इमरान खान साहब के साथ निकले हुए, महंगा ही मौका हो मार्च। हाँ जी हमने जाना है ज्वेलर के पास, बल्कि मैंने जाना है ज्वेलर के पास, तो ज्वेलर के पास से हो आते हैं और उसके बाद जो है वो फिर ज्वेलर से फ्री हो चुकी हूँ मैं और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। रश बहुत ज़्यादा है बाज़ार में, लोग जो है वो इस टाइम निकलते हैं क्योंकि दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो चलते हैं अब घर की तरफ। घर वापस आ चुके हैं जी, अंधेर नगरी है, लोड शेडिंग हो रही है और लाइट गई हुई है, वेट कर रहे हैं दरवाज़ा कोई खोल दे। यहाँ जी घर वापस आ चुके हैं, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत थकावट हो रही है तो व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें जी अपनी तरह, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।